केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में आज साहिबगंज में निकले गए जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के द्वारा पहले विवेकानंद चौक के समीप स्थित विधायक अनंत ओझा कार्यालय पर हमला और तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया। इस प्रयास को मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने नाकाम कर दिया। बाद में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे माल गोदाम के समीप शीतला मंदिर के सामने जमकर उपद्रव मचाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के द्वारा पुलिस और आम लोगों का जमकर पथराव भी किया गया। इसमें कुछ समय के लिए पूरे इलाका में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बाद में बड़ी संख्या में पहुंचे जैप जवानों ने उपद्रवी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करते हुए मामले को नियंत्रण में किया। इधर आंदोलनकारियों का कहना था कि अग्निपथ योजना के माध्यम से केंद्र सरकार युवाओं को ठगने का कार्य कर रही है। कहा कि पूर्व में भी बड़ी संख्या में युवा आर्मी और एयरफोर्स की परीक्षा पास कर नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे। कोरोना के नाम पर केंद्र सरकार नियुक्ति पत्र देने में लगातार टाल मटोल कर रही थी। इधर अग्निपथ योजना लागू करने के साथ ही उन नियुक्तियों को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। उन लोगों की मांग है कि पूर्व में आर्मी और एयरफोर्स में चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति पत्र दिया जाए, साथ ही अग्निपथ योजना को तत्काल वापस लिया जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।